हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब के भी। देखिए, आज हम मौलाना यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, मौलाना मजरूर हक अरबी कर फारसी यूनिवर्सिटी पटना में है, देखिए उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 19-21 का और बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 का एग्ज़ाम कब होगा, इस पर हम आज बात करेंगे। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर सेशन 19-21 का तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो देखिए, सब यूनिवर्सिटी का आपका समझिए कि एक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो बचा था वो भी 25 अप्रैल से एग्ज़ाम ले रही है। और देखिए, इसका कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं है कब, क्योंकि देखिए कितना बार आप सुने होंगे कि पहले 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, फिर आपका 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, फिर 15 या 14 ऐसे ही अप्रैल से स्टार्ट, मतलब कॉलेज के द्वारा ही डेट बताया जा रहा था समझे। और हम भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिला था उसे हम आपको बताए थे, लेकिन देखिए ईद के बाद ही हमको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखिए मौलाना मजरूर हक अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो कर्मचारी है वो आपके मुस्लिम समुदाय से ही है। तो ईद के बाद ही आप लोग का क्या होगा कि मौलाना मजरूर हक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, मौलाना मजरूर हक अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो है आपका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 है, 2021 से 23 का। देखिए, इसका एग्ज़ाम आपको अगस्त के समथिंग में होगा, यानी अगस्त के बाद ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसका सेशन थोड़ा लेट है। तो आप लोग अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए, इसका हम क्वेश्चन वीवीआई कर दिए कोर्स 1 का, ऐसे ही कोर्स 2, 3, 4, 5 का भी हम कर देंगे, 6, 7 जो मेथड आपका है उसका भी कर देंगे। तो जो 21-23 में है, सॉरी 21-23 वाले फर्स्ट ईयर वाले और 19-21 जो सेकेंड ईयर, समझिए इतना सेशन लेट हो गया कि समझिए सबसे इसका एग्ज़ाम मार्च में ही ले लेना, जो 5 मार्च से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिया था उसी समय इसको एग्ज़ाम ले लेना चाहिए फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, क्योंकि देखिए बहाली भी आने वाला है 7वां चरण और अभी तक क्लियर नहीं कराया समझे। अब रिजल्ट भी बहुत लेट से देता है 5 महीना 6 महीना में, तो हमको नहीं लग रहा है कि मतलब बहाली अब देखिए कब तक आता है, क्योंकि देखिए आप ही लोग का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 21 के अगस्त में हुआ था और रिजल्ट आया फरवरी में आप लोग का, समझ रहे हैं ना, यानी कितना महीना होगा, 4 से 6 मंथ में रिजल्ट है आपका। तो आपका अब मान लीजिए अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अभी अप्रैल बोले मई में एग्ज़ाम होगा, अब देखिए ईद जो है 2 या 3 अप्रैल मई को है, अब उसके ख़त्म होने के बाद कब तक एग्ज़ाम होगा, तो अब एग्ज़ाम का जब शेड्यूल आएगा उसके बाद ही पता चलेगा समझे। तो शेड्यूल आ जाएगा तब समझिए एग्ज़ाम का डेट आ गया समझे, क्योंकि सब लोग आप सुने होंगे कि हम आपको पहले भी बताया कि 5 तारीख से भी, 5 मार्च से भी दिया था, फिर 24 दिया था, फिर आप 15 के समथिंग में दिया था समझे। तो जब तक, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा जब तक ऑफिशियली कोई नहीं आएगा तब तक नहीं होगा समझे। थैंक यू।